हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कविता एडो क्लासेस। गाइस, आज हम बात करेंगे एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि जस्ट 17 जुलाई को आई है एंड इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 जुलाई से स्टार्ट। ओनली एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट को रखा गया है, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगी। वे कैंडिडेट जो कि यूजीसी या सीएसआई या नेट क्वालिफाइड है, नेट एलएस और डीबीटी बेट क्वालिफाइड है एंड आईसीएमआर नेट क्वालिफाइड है, वे यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। एंड डीबीटी पेट एंड आईसीएमआर नेट ओनली इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस के लिए अप्लाई करेंगे। यहाँ अप्लाई ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से होगी, तो इस रिगार्डिंग आपको फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखें। इस वीडियो में देखेंगे कौन कौन से डिपार्टमेंट में यहाँ पीएचडी में एडमिशन होंगे, किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट है, एप्लीकेशन फीस क्या है एंड एडमिशन प्रोसीड्योर क्या है, और आप कैसे यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। ये फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एंड इस इन्फॉर्मेशन को आगे कंटिन्यू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इस तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ आपको पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन एंड असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अपडेट ऑल ओवर इंडिया से मिलेंगे। अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट से यूजीसी नेट सेट या पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। अगर आप अदर सब्जेक्ट से पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन आप यहां से कर सकते हैं। तो गाइज, इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसके बेल बटन को प्रेस कर दें, और अगर आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम यूजीसी और सीएसआई आर नेट नेट एल एस और डीबीटी वेट ओनली फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस और आईसीएमआर नेट ओनली फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस क्वालिफाइड इन रेलिवेंट फील्ड सब्जेक्ट कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम ऑफ प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी इन वेरियस डिपार्टमेंट स्कूल इंस्टीट्यूट फॉर द सेशन ऑफ 2023-24। ये यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है जो कि कोलकाता में है। यहाँ पर पीएचडी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आई है। यहाँ इसेंशियल क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री, एटलीस्ट 55% इन कंसर्न सब्जेक्ट एंड 5% की रिलैक्सेशन है एस सी एस टी ओ बी सी ए ओ बी सी बी पर्सन विद डिसेबिलिटी स्टूडेंट को। यहाँ यूजीसी और सीएसआई आर नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट अप्लाई करेंगे और आईसीएमआर नेट और डीबीटी नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट ओनली इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस के लिए अप्लाई करेंगे। दिस इज लिंक फॉर ऑनलाइन अप्लाई एंड पेमेंट। यहाँ 500 फीस है। द एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द ऑल मार्कशीट, ग्रेड कार्ड, सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ एंड रिसर्च प्रपोजल एंड कॉपी ऑफ पेमेंट रिसीट फॉर द फॉलोइंग एड्रेस। इस एड्रेस पे ये सारी चीजें आपको सेंड करनी है। स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये 18 जुलाई है एंड स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ये भी 18 जुलाई है। लास्ट अप्लाइंग डेट आपकी 1 अगस्त है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट 2 अगस्त है। 2 अगस्त को टिल 5 PM तक आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर रिसीविंग हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ये 4 अगस्त टिल 5 PM पे है। तो 5 PM तक आपकी हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी रिसीव हो जानी चाहिए। डिपार्टमेंट को देख लें, किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट है। बंगाली है, जिसमें कि अनरिजर्व के लिए 2 सीट है, एससी के लिए 1 सीट है, एसटी के लिए 1 सीट है, ओबीसी ए के लिए 1 सीट है एंड ओबीसी बी के लिए 1 सीट है, टोटल 6 सीट है। इंग्लिश में अनरिजर्व के लिए 3 सीट है, एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी ए के लिए 0 है एंड ओबीसी बी के लिए 1 है, टोटल 8 सीट है। इस तरह से हिंदी में टोटल 2 सीट है, हिस्ट्री में टोटल 6 है, फिलोसफी में 1 है, सोशियोलॉजी में 10 सीट है, एस्ट्रोफिजिक्स में 8 सीट है, केमिस्ट्री में 29 है, इकोनॉमिक्स में 17 सीट है, ज्योग्राफी में 6 सीट है, लाइफ साइंस में 24, मैथमेटिक्स में भी 24 है, फिजिक्स में 19 सीट है, स्टेटिक्स में 7 है एंड एंड इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस में 25 सीट है। इस तरह से सारी सीटें डिपार्टमेंट वाइज एंड कैटेगरीज वाइज दी गई है। एंड यहाँ आपका है अवेलेबल रिसर्च एरिया, किस डिपार्टमेंट में अवेलेबल रिसर्च एरिया है ये यहाँ दिया हुआ है। बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, सारी डिपार्टमेंट के स्पेशलाइजेशन में रिसर्च होगी वो यहाँ पर दिया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसीड्योर, ऑल एप्लीकेंट रिक्वायर टू अपलोड ए रिसर्च प्रपोजल विद इन 500 की रिसर्च प्रपोजल आपको अपलोड करनी है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एंड एप्लीकेंट मे बी शॉर्ट लिस्टेड बाय द डिपार्टमेंट स्कूल इंस्टीट्यूट बेस्ड ऑन द रिसर्च प्रपोजल और एरिया ऑफ एबिलिटी ऑफ गाइड इन द प्रपोजल रिसर्च एरिया एंड अदर एकेडमिक क्राइटेरिया।
रिसर्च प्रपोजल एंड एकेडमिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। देन उन कैंडिडेट का ऑनलाइन या ऑफलाइन इंटरव्यू होंगे एंड इंटरव्यू के बेस पे एडमिशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ये इंफॉर्मेशन थी नोटिफिकेशन से। अब हम लोग यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर चलते हैं। गाइस यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट को जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह का होम पेज आपका आएगा। यहाँ आपका दिया हुआ एडमिशन 2023 यूजी पीजी एंड पीएचडी प्रोग्राम, इसको आप ओपन करेंगे तो ये आपका आएगा। यहाँ का नोटिफिकेशन दिया हुआ है एंड यहाँ पर एप्लीकेशन पोर्टल दिया हुआ है। नोटिफिकेशन अभी हम लोग देख चुके हैं तो अब हम लोग एप्लीकेशन पोर्टल पर चलते हैं। ये गाइडलाइन दी हुई है, एप्लीकेशन प्रोसीड्योर, लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग हार्ड कॉपी एंड यहाँ लिंक दिया हुआ है। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर प्रोसीड फॉर अप्लाई दिया हुआ है, इसको आप देखेंगे। रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी पीएचडी एडमिशन, यहाँ आप अपने ईमेल एंड इससे आप पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे एंड जब रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो अपने ईमेल आईडी एंड पासवर्ड से अगेन लॉग इन करके यहाँ अप्लाई करेंगे। ओके गाइस, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। इस तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर लेंगे और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।